Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent. Who is Rahman? Am I in? Assalamu alaikum. My name is Gul Mohammad. I study in class 6 at Blossom Public Elementary School, Nasrpur. Today my presentation's topic is Huquq-ul Ibad. आज मैं आपको बताने वाला हूँ हुकूक़ुल इबाद के बारे में। हुकूक़ुल इबाद से मुराद है कि बंदों के हुकूक। आज मैं आपको इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसकी माना ये है कि हुकूक़ुल इबाद, तो सबसे पहले आ जाता था हुकूक़ुल्लाह, तो हुकूक़ुल्लाह के बाद आता है हुकूक़ुल इबाद। हुकूक़ुल्लाह से बढ़कर है हुकूक़ुल इबाद। तो इससे मतलब मुराद ये है कि जब तक वो हमें बंदा माफ़ नहीं करता, तो हम भी अल्लाह ताला भी हमें माफ़ नहीं करेगा। तो अगर सबसे पहले आ जाते हैं अल्लाह के हुकूक। अल्लाह के हुकूक में रोज़ा, ज़कात, नमाज, ये सब शामिल होते हैं। अगर वो हम नहीं पढ़ते या नहीं अदा करते तो अल्लाह हमें माफ़ कर लेता है। लेकिन अगर हम कोई रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, वालदेन या कोई हमसाया या कोई कुछ भी मतलब पड़ोसी हो या कुछ, अगर हम उससे कोई तकलीफ़ देते हैं या हमें कोई तंग करते हैं या किसी भी वजह से उसको कोई तकलीफ़ आ जाती है, तो वो जब तक हमें माफ़ नहीं करता तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। कुरान मजीद में इरशाद है कि वबिल वालिदैन एहसान है, मतलब और वालदेन के साथ अच्छा सलूक करो। अब हुकूक़ुल्लाह, हुकूक़ुल इबाद में और हुकूक़ुल्लाह में बहुत सारा डिफरेंट है। और हुकूक़ुल इबाद में अब बहुत सारे मतलब टाइप्स आ जाते हैं या उसमें बहुत सारे हुकूक आ जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह के हुकूक आते हैं जो मैंने आपको बता दिए थे। अल्लाह के हुकूक में नमाज, रोज़ा, ज़कात आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वालदेन के हुकूक। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता और आखिरी रिश्ता और पहला रिश्ता सब मतलब वालदेन के साथ ही होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने वालदेन के साथ अच्छा सलूक करो और अगर हमसाया हो तो उसकी ईमानदारी करो। वो वालदेन में नहीं आता लेकिन अच्छे अखलाक में आ जाता है और हुकूक़ुल इबाद में भी आ जाता है। तो वालदेन के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए और उसकी हर तरह से खिदमत करनी चाहिए। तो किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछा तो मेरी उसने सलूक का ज़रिया कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार उसने यही सवाल पूछा तो उसने बोला कि तेरी माँ। फिर दूसरी बार भी यही सवाल रिपीट किया तो उसने फिर से बोला तेरी माँ। तीसरी बार भी उसने वही रिपीट किया, उसने बोला तेरी माँ। फिर चौथी बार उसने फिर से यही रिपीट किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया तेरी माँ के बाद तुम्हारे वालदेन, रिश्तेदार। और से पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि मुझे जहाद के लिए मतलब इजाज़त दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बोला कि क्या तुम्हारे वालदेन जिंदा है, तो उसने उस शख्स ने बोला जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला आप उनकी खिदमत करें, यही आपकी जात की। उसके बाद हमें आ जाते हैं औलाद के हुकूम। औलाद के हुकूम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वालदेन को सिर्फ अच्छे कपड़े, अच्छे मतलब स्टडी या कुछ और, ये वालदेन अगर ये सब दिलाता है तो ये मतलब एक और चीज़ होती है अच्छे अखलाक, अच्छे आदाब। तो ये अगर आप वालदेन अपने औलाद को सिखाता है तो इससे बेहतर वालदेन अपने बच्चे को अच्छा तोहफा दे नहीं सकता। तो वालदेन को भी चाहिए ये होते मतलब अपने औलाद को अच्छी तरबियत दें।